डेकोरेटेड टाइल्स एंड मार्बल डिजाइन यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज सिक्स कॉर्नर डिजाइन कैसे बनाते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो सेंटर का हमारा पीस है, इसको देखना है कि ये हमने कटिंग किया हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हो, ये 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये जितने भी इसके सिक्स कॉर्नर हैं वह सब 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर के हैं। और ये जो हमने पीसेस कटिंग किए हुए हैं वाइट और येलो, ये 5 सेंटीमीटर के हैं और इनकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। सेम इसी तरह ये हमने येलो पीस भी कटिंग किया हुआ है। तो उसके बाद हमने, जैसे कि ये भी यहाँ पर लगाना है, और इसकी ये जो कटिंग है ये कितनी आएगी, ये देखिए यहाँ पर हमने निशान लगाया है। ये जो कटिंग है इसकी, ये 3 सेंटीमीटर हमने इसको कटिंग करना है। और उसके बाद जैसे कि हमारा यहाँ से हमारा कटिंग हो जाता है, तो ये जो है इसकी जो हमने लंबाई करनी है वो 15 सेंटीमीटर करनी है, सेम दोनों पीसेस की। और इसी तरह हम ये सभी पीसेस लगाते जाएंगे तो हमारा डिजाइन कंप्लीट होता जाएगा। ये इस तरह हमारा डिजाइन जो है ये सभी कॉर्नर पर ऐसे कंप्लीट आएगा। और जैसे कि ये अब आप देख रहे हो, यहाँ से ये 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आया हुआ है और ये जो 5 सेंटीमीटर बचा है तो इसको ये ऐसे यहाँ पर मैच हो जाता है और ये डिजाइन ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम इन पीसेस को ऐसे लगाते जाएंगे और हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता जाएगा। और जितने भी हमने पीसेस कटिंग करने हैं सभी पीसेस बराबर कटिंग करने हैं, 5 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। और जो उसका कॉर्नर है जो हमने आपको दिखाया है वो 3 सेंटीमीटर कटिंग होएगा। और इस तरह हमारा ये डिज़ाइन है कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और हमें कमेंट में बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।